दो दिन से मलक पेट रेस कोर्स के सामने आंदोलन चल रहा, हड़ताल चल रहा, धरना हो रहा। पांच लोगों को निकाल रहे, सस्पेंशन कर रहे, पांच लोगों का सस्पेंशन के खिलाफ में ये डेमोन्स्ट्रेशन इधर हो रहा। इसके सपोर्ट देने के लिए हम लोग आए। मेन डिमांड इलेक्शन, इमीडिएटली इलेक्शन कंडक्ट करना, और पांच लोगों को, जो लोगों को सस्पेंशन करे वो लोग सस्पेंशन रिवोक करना बोलते हैं। दो इमीडिएट डिमांड्स के लिए हम लोग इधर आके मदद दिए। मैनेजमेंट हमको बुलाए, डिस्कशन अभी तक करे, बहुत बकवास कर रहे। पूरा इलीगल एक्ट्स जो हो रहा, वो ये 30 साल में जो एग्रीमेंट्स हुआ वो पूरा बोगस एग्रीमेंट है। पपेट्स बनके यूनियन लीडर्स को पपेट बनके एम्प्लॉयज़ के साथ जो अन्याय हो रहा, जो अन्याय हो रहा और जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ हो रहा, वो हम लोग खंडन करें और इमीडिएट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, इमीडिएट सॉल्यूशन देना। वो पांच लोगों की सस्पेंशन रिमूव करना और इलेक्शन कंडक्ट करना बोले तो दो इमीडिएट डिमांड को वो लोग एक्सेप्ट करें। उसलिए हम आके सब लोगों को अपील किया, ये दो डिमांड्स सॉल्व हुआ और बाकी का जो डिमांड्स है वो पूरा करने के लिए आंदोलन आगे बढ़ने के लिए हम तैयार करना बोल के हम लोग डिसीशन लिए। इलेक्शन कब करते हम लोग? 10-15 दिन में इलेक्शन करने के लिए तैयार है। हम भी लेबर डिपार्टमेंट को लेटर तो लिखवा दिया, अभी वो हमारा हाथ में नहीं है, लेबर डिपार्टमेंट के अंदर है बोल के वो लोग बोला। చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ మీరు రండి, ఇక్కడికి మీరు వచ్చిందని మాకు తెలుసు, మాట్లాడడానికి రండి, నా దగ్గరకు వచ్చి నేను అడిగినప్పుడు అడిగాను. సరే వాళ్ళు రమ్మనంగానే ఎందుకు పోవాలని మీ అందరితో కనుక్కుని నేను మిమ్మల్ని మాట్లాడుకుంటాను. అసలు వాళ్ళు రమ్మంటున్నారు, మనం పోవడం పోదామా వద్దా? సరే వాళ్ళే రమ్మన్నప్పుడు ఏం మాట్లాడతారో విందామని మేము పోయినాం. పోయినప్పుడు కూడా మేము పోయి ఆడొస్తామని పోయింది. సస్పెన్షన్ మేము ఎత్తేస్తాం, పెంచిన జీతాలు తీసుకోండి అని అంటే పెంచిన జీతాలు తీసుకోవాలా లేదా వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటారు. వాళ్ళకి అడ్వకేట్ ఉన్నాడు, వాళ్ళు అడ్వకేట్ సలహాలు పెట్టి వాళ్ళు काम करते हैं। मेरी सर्विस 28 साल की है, 28 साल से सिर्फ बेईमानी के सिवा आज तक हम ईमानदारी नहीं देंगे। जगह तो बेईमानी की है, ईमानदारी की यहाँ जगह नहीं है। आज से जो है बेईमानी का पर्दा उठता जा रहा है, ईमानदारी में किरण चमक नजर आई हम लोगों को। आज जो है हम फखर महसूस कर रहे हैं हमारी मेहनत पे, हमारे ईमान पे, हमारी हर वो चीज पर। इसीलिए हमारे डिमांड्स पूरे होते नजर आ रहे हैं। हम बहुत जल्द इलेक्शन रखेंगे, इलेक्शन में जीतेंगे, हमारी मांगें जब पूरी करेंगे।